हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश, आप सभी का आप सभी के परिवार एस एम ट्रांसमिशन नेटवर्क पर स्वागत करता हूँ। आप सभी का स्वागत है एस एम ट्रांसमिशन पर। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस स्पोकन एवरी डे में 20 सेंटेंसेस का, ठीक है, 20 पॉपुलर सेंटेंसेस का जो कि हम लोग डेली यूज़ कर सकते हैं। तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट एस एम ट्रांसमिशन पर, और हम लोग क्लियर करेंगे 20 पॉपुलर सेंटेंसेस, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर कहते हैं चिंता मत करो, ठीक है, क्या कहते हैं? चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। तो इसका होता है डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसे कह दें तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें चिंता, ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे कह दें तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका होता है यू नीड नॉट वरी, ठीक है, यू नीड नॉट वरी, नीड नॉट वरी, ठीक है, यू नीड नॉट वरी, यानी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है, कर दीजिए जल्दी से ताकि उनको भी आनंद आए, है कि नहीं? तो शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, हो गया, शेयर कर दिया आप लोगों ने, यानी चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता कर, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हो जाएगा यू नीड नॉट वेरी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर कह दें मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है, मैंने कहा, मैंने कहा मैं तुम्हारा मदद करूँगा, मैं तुम्हारा मदद करूँगा, ठीक है, मैंने कहा मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तो इसका हो जाएगा I said, ठीक है, I said that, I said that I, ठीक है, यहाँ पर करूँगा तो हो गया, अगर देखा जाए, ठीक है, करूँगा हो गया, अगर ये पास्ट में तो इसको भी पास्ट में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका, मदद करूँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सैल का शुड, ठीक है, शुड हो जाता है, शुड हेल्प यू, ठीक है, शुड हेल्प यू, यहाँ तक क्लियर है? यानी आई सेड दैट आई शुड हेल्प यू, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? चौथा का अगर बात करें, चौथा का क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऐसे कह दें, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आप लोग जानते होंगे, इसका हो जाएगा हैव यू नॉट मनी, क्या हो जाएगा, हैव यू नॉट मनी, ठीक है, मनी इस प्रकार से भी बन सकता है, और एक प्रकार से बन सकता है डू यू नॉट हैव मनी, ठीक है, डू यू नॉट हैव मनी, हैव मनी, ठीक है, इस प्रकार का, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? क्लास को जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। कहते हैं मेरा घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ऐसे कहते मेरा घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है, मेरा घर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो जाएगा आई मस्ट रीच टू द फोन, आई मस्ट रीच, ठीक है, आई मस्ट रीच टू द होम, क्लियर है। वैसे छठा का अगर बात किया जाए, छठा सेंटेंस का, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, करना चाहिए,
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट, ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, द एल्डर्स, ठीक है, इस प्रकार का। यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है, अच्छा ना लगे तो अनलाइक भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, ठीक है। तो हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है। अगर कह दें हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो हम आवर एल्डर्स कर देंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, छह हो गई, ठीक। सातवें का अगर बात किया जाए, सातवां का, ठीक है, सेवन सेंटेंस का बात करें तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ऐसे कहते तुम्हारे पास कुछ नहीं था, ऐसे कहते तुम्हारे पास कुछ नहीं था। इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए, यानी इसको बोला जाए लाइफ में, तो कैसे सकता है, यू हैव नथिंग, यू अच्छा नहीं था तो हैड आ जाएगा, ठीक है, यू हैड नथिंग, यू हैड नथिंग, ठीक है। अगर कहते तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू हैव नथिंग, लेकिन था है इसीलिए हैड का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसको और एक तरीके से हो कर सकते हैं हम लोग, इसको कर सकते हैं यू हैड नॉट एनी थिंग, ठीक है, एनी थिंग, वैसे ज़्यादातर यही बोला जाता है यू हैड नथिंग, ठीक है, ये क्लियर, क्लियर है। या फिर एक एक चीज़ और इसको बोला जाता है, क्या सकता है, यू डिड नॉट, ठीक है, यू डिड नॉट हैव एनी थिंग, हैव एनी थिंग, ठीक है, एनी थिंग, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे, आठवीं का अगर बात किया जाए, ठीक है, ये होता है आठवां का अगर बात करें, आज मंगलवार, ठीक है, आज मंगलवार, ठीक है, आज मंगलवार है, इसका अगर कहा जाए तो इसका हो जाता है इट इज, ठीक है, इट इज ट्यूजडे, इट इज ट्यूजडे टूडे, ठीक है, इट इज ट्यूजडे टूडे, कहते कल बुधवार होगा, कल बुधवार, ठीक है, कल बुधवार होगा, इसका हो जाएगा तो इट, ठीक है, इट विल, इट विल वेडनेसडे, वेडनेसडे टुमारो, ठीक है, क्लियर है। ऐसे कह दें अगर कल सोमवार था, ठीक है, कल सोमवार था, यानी ये भूत वाला हो जाएगा इसका इट, ठीक है, इट वाज, इट वाज मंडे, इट वाज मंडे स्टरडे, ठीक है, स्टरडे, ठीक है, इट वाज मंडे स्टरडे, इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं। ये तीनों बन गया एक चीजों में, ठीक है, जिस टेंस में होगा उसी हिसाब से सहायक क्रिया हेतु वर्ब लगाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट है तो इज आर लगा, इज लगाएंगे, पास्ट है तो वाज लगाएंगे, और फ्यूचर है तो हम लोग क्या विल लगाएंगे, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? अगर कहते हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है, हवा चल रही है, या हवा बह रही है, तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इट इज, ठीक है, इट इज ब्लोइंग, इट इज ब्लोइंग, ठीक है, हवा चल रही है, हवा बह रही, ठीक है, क्लियर है। सुबह हो रहा है, ऐसे कह देंगे सुबह हो रहा है, सुबह हो रहा है, ठीक है, सुबह हो रहा है, तो इसका हो जाएगा इट इज, ठीक है, इट इज, ठीक है, सुबह हो रहा, इट इज डाउन, डाउनिंग, इट इज डाउनिंग, या फिर एक तरीके से और कह सकते हैं इट इज, ठीक है, इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग डाउन, यानी सुबह हो रहा है, इस प्रकार का, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है इस प्रकार का, ठीक है। एक राजा था, ऐसे कह दे, एक
राजा था, एक राजा था, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए किंग, ठीक है, देयर वाज ए किंग। अगर कहते एक रानी है, रानी है, ये था है वो है, कहते एक रानी है, ठीक है, एक रानी है, तो इसका क्या हो जाएगा, देयर इज ए क्वीन, ठीक है, देयर इज ए क्वीन। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो यानी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, इसका हो जाएगा यू हैड नथिंग, या यू हैड नॉट एनीथिंग, या फिर यू डिड नॉट हैव एनीथिंग। इस प्रकार से तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में, ठीक है, डेली यूजेस सेंटेंसेस में हम लोग इसको ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, तीनों को बोल सकते हैं ना, तो इससे क्लियर है। फिफ्टीन का अगर बात किया जाए तो फिफ्टीन का क्या जग में दूध था, ऐसे कह दी, क्या जग में दूध था, क्या जग में दूध था, इसको अगर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, वाज, ठीक है, ये वाज है, वाज देयर मिल्क, ठीक है, वाज देयर मिल्क इन जग, इन जग, ठीक है, वाज देयर मिल्क इन जग, यानी क्या जग में दूध था, क्लियर है। कहते इस घर में 10 कमरे हैं, ऐसे कह दे, इस घर में 10 कमरे हैं, इस घर में 10 कमरे, 10 कमरे हैं, इस घर में 10 कमरे हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर आर, ठीक है, देयर आर 10 रूम्स, 10 रूम्स, रूम्स इन दिस होम, ठीक है, इन दिस होम, इस प्रकार से, यानी इस घर में 10 कमरे, देयर ए आर, ठीक है, देयर आर 10 रूम्स इन दिस रूम, यानी इस घर में 10 कमरे, ठीक है। कहते हैं यह किसका झोला है, ठीक है, या यह किसका किताब है, यह किसका किताब है, यह किसका किताब है, ऐसे कह दें, किताब है, यह किसका किताब है, यह किसका रफ है, यह किसका कॉपी है, यह किसका झोला है, कुछ भी हो सकता है ना, बाकी ऑब्जेक्ट बदलना है बस, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो हुज, ठीक है, हुज बुक इज दिस, ठीक है, हुज बुक इज दिस, ठीक है, क्लियर है। अगर यह किसका किताब था तो हुज बुक वाज दिस, इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। कह रहे यह किसका झोला है, अगर नहीं कह रहे यह किसका झोला है, किसका झोला, झोला मतलब बैग, ठीक है, झोला है, यह किसका झोला है, तो इसका क्या हो जाएगा, हुज बैग इज दिस, ठीक है, यह किसका बैग, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, बहुत सही। अगर कह दें हम लोग एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन दिन होते हैं, ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, देयर आर, ठीक है, देयर आर 7 डेज, 7 डेज इन ए वीक, ठीक है, इन ए वीक, देयर आर 7 डेज इन ए वीक, ठीक है, क्लियर है। 20 वाले का अगर बात करें, तुम ईमानदार कब बनोगे, ऐसे कहते हैं, तुम ईमानदार, ईमानदार कब बनोगे, तुम ईमानदार कब बनोगे, वैन, ठीक है, वैन विल यू, ठीक है, वैन विल यू बी होनेस्ट, ठीक है, इस प्रकार से, क्लियर है, वेन विल यू बी होनेस्ट, ठीक है। और कुछ जान लेते हैं, 5 और सेंटेंसेस को जान लेते हैं, ठीक है, 20 हमने कहा था, लेकिन 5 और देख लेते हैं, फिर 20 होगा, क्लियर है यहाँ तक।
21 का अगर बात करें, 21 में अगर हम कह दें कितना लोग शादी में उपस्थित थे, ऐसे कह दें, वैसे लॉकडाउन चल रहा है, शादी तो नहीं होगा, लेकिन ये सेंटेंस का बात होगा, ठीक है, कितना लोग शादी में उपस्थित थे, ठीक है, कितने लोग शादी में उपस्थित थे, तो हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी, यहाँ पर मैनी होना चाहिए, हाउ मैनी पीपल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज नहीं, वेयर हो सकता है, वेयर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन मैरिज, ठीक है, इन मैरिज, क्लियर है, यानी हाउ मैनी पीपल वेयर प्रेजेंट इन मैरिज, क्लियर है, बहुत सही। क्या आप एक डॉक्टर हो, ऐसे कह दें, क्या आप एक डॉक्टर हो, इसका आ जाए, तो यहाँ इसका हो जाएगा, इसका हो क्या हो जाएगा, क्या आप एक डॉक्टर हो, आर यू ए डॉक्टर, ठीक है, आर यू ए डॉक्टर, ठीक है, इस प्रकार का, आर यू डॉक्टर, क्लियर है, मैं सोने जा रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्लीप, इसका अगर 24 का बात करें, शुभ रात्रि का अगर बात करें, तो इसका क्या हो जाता है, गुड नाइट, ठीक है, 25 का अगर बात करें, आपको अच्छा स्वप्न आए, ठीक है, अच्छा स्वप्न आए, तो इसका हो जाएगा, ड्रीम्स, ठीक है, ड्रीम्स टू यू, इस प्रकार से, यानी आपको अच्छा सपना है, केम स्वीट ड्रीम्स टू यू, यानी आपको अच्छा सपना है, ठीक है, इस प्रकार का, क्लियर है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, सेंटेंसेस जिन्हें हम डेली लाइफ में बोल सकते हैं, यानी डेली यूजेस सेंटेंसेस हैं ये, जिन्हें हम प्रतिदिन बोल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं सोमवार को इस सेशन में, ठीक है, कल तो हम लोग पढ़ेंगे जीके, है ना, बाकी परसों यानी रविवार को भी हम लोग पढ़ेंगे जीके, और रात के 9 बजे सबसे स्मार्ट का भी क्लास चलेगा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, ठीक है, जीके में मिलेंगे, है ना, इस सेशन में तो हम लोग सोमवार को ही मिलेंगे, मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, एंड गुड मॉर्निंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Yes.